लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। खदेड़ने की जरूरत अब नहीं है भट्टी जी कि खदेड़ो, अब मारने की जरूरत। खदेड़ना नहीं है, अब सीधा सूटन साइड सीधा ठोकी, और यदि अपराधी नहीं मिलता है तो उसके घर को बुलडोजर से ढा दीजिए। हम इस पक्ष में नहीं है कि उसके माँ बाप को आप पकड़ लीजिए, लेकिन हम इस पक्ष में है कि अपराधियों का घर नाजायज पैसे से जो बनाया उसको ढा दीजिए। अब इतनी बड़ी घटना घट गई, पूरा दहशत में इस यह इलाका है, कोई अपराधियों का नाम लेने वाला नहीं है, कोई सुरक्षित नहीं है बारसोई में। अब बारसोई धन पशु हो गया है कमाने का, इधर फ्लड सिंचाई विभाग धन पशु, पीडब्ल्यूडी धन पशु, तो ये जो इलाका है कंप्लीट समझ लीजिए स्मगलिंग का से लेकर सभी चीज का एक बड़ा इलाका बन गया, जिसमें सबसे ज्यादा प्रशासन इन्वॉल्व है, और ये लोग इस तीनों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, मारना नहीं चाहते हैं, और गिरफ्तार नहीं होती है, किसी का स्पीडी ट्रायल नहीं होता, ये बहुत क्लियर है। जरूरत पड़ेगी तो अब कब होगा आजाद ये तो हम नहीं जानते हैं। पॉलिटिशियन और पॉलिटिकल आदमी को बिहार में सत्ता किसके बेटा को चाहिए कि सोसाइटी में जिस जात का मर्डरर होता है उसको हीरो मान लेता है कि मेरे जात का है, ये मेरे कौम का है, ये मेरे धर्म का है, न्याय की बात कोई नहीं करता है, राजनीति आ जाती है, नतीजा होता है कि अपराधियों को संरक्षण मिल जाता है। कल भी हम चार हत्या में गए, अब फिर यहाँ से हत्या में जा रहे हैं, अब सुबह से हत्या में, हत्या छोटी हो बड़ी हो, खास तौर पर बारसोई, हम पहले भी जब भी हम घटना में आते हैं या कटिहार में मनिहारी और बारसोई अनुमंडल, ये जो दो अनुमंडल है कटिहार का, उधर साहेबगंज और भागलपुर से जुड़ा है और इधर बंगाल और पूर्णिया से जुड़ा हुआ, जो अपराधी इतने बड़े शूटर हैं, देखिए दो बात होती है, एक होता है शूटर और एक होता है जो हत्या करवाता है। अब टेक्निकल एफएसएल रिपोर्ट आप जांच नहीं करेंगे, सीसीटीवी है, मोबाइल लोकेशन है, मोबाइल का प्रिंट आउट है, हत्या किसकी हुई उस एक महीने का प्रिंट आउट है, शूटर की हत्या का प्रिंट आउट है कि उसकी किसके किसके साथ बातचीत होती थी, कौन कौन लोग उससे बात करते थे और हत्या में कौन कौन लोग शामिल है। जो लोग सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि हत्या अपराध माफिया हत्या के पीछे सबसे बड़ा कारण अभी बिहार में जमीन बालू शराब, ये तीन सबसे बड़ा कारण। बड़ारी की जो पांच आदमी की हत्या कर दिया, सात आदमी का पकड़ाया, कहां निकल गई, उसके घर ढहे, हम जानना चाहते हैं एसपी साहब से, छपड़ा में तो एक दिन में आप घर ढाके कुर्की कर दी, ये तीन आदमी जो लाल बाबू सहनी, मोहित मौलवी साकी, जिस पर कई हत्या का आरोप, लगभग पंचायत समिति से लेकर बबुना जी से लेकर संजीव मिश्रा से लेकर
और इसके पहले मुखिया पति 2019 में खुश दिल जहां हम गए थे सभा हुई थी ना, तो इतनी घटनाएं और कई बड़ी बड़ी घटनाएं बारसोई लगता है कि कंप्लीट रूप से सरकार के अंडर से गायब हो गया या बिहार में बारसोई नहीं रहा, तो बिहार लगता है ये बांग्लादेश में भेज दिया गया। तो बारसोई मेरा तीन बात है, संरक्षण प्राप्त इन लोगों को कहां से होता है, कौन लोग हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं, एक तरफ थाना से डीएसपी सिंडिकेट चलाता है। घटनाओं के बाद अभी तक जब से वो पंचायत चुनाव के पहले निकला और लोग तो जेल गए ही नहीं, तो क्या उन पर अभी तक पुलिस नाकामयाब है? आप छोड़ दीजिए पप्पू यादव को, इन लोगों को जेल भेजने की जरूरत है कि सीधा माथा में गोली मारने की जरूरत है, सीधा शूट एंड साइड। जेल में तो ये लोग एक्सटॉर्शन करेगा, जो हीनियस क्रिमिनल है, जो लगातार 2-3-4 मर्डर कर चुके हैं, बलात्कारियों को, हीनियस क्रिमिनल को हम क्यों दुल्हा के तरह और दामाद के तरह रखे हैं? लाइव न्यूज़ खबर तो पक्की है।